कर रहे हो यार? ये जर्मनी के ड्रामे यार, यहाँ पे लेटर्स अभी भी आते हैं और फिर जरूरत पड़ती है उनको सॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी टू द पॉइंट आते हैं, वो वीडियो जो शूट किया वो तो बताना ही है। ये बताओ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें से हाँ या ना तुम्हें बोलना है, ठीक है? क्या तुम म्यूनिक शिफ्ट हो रहे हो? म्यूनिक नहीं, हम लोग स्विट्जरलैंड से शिफ्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, काम वहाँ हो सकते। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं, गलत जवाब, अफसोस नहीं हुआ। हम स्वीडन शिफ्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, गलत जवाब। दीपक, बेबी आ रहा है क्या? नहीं, अभी तो मैं ही बेबी हूँ। गलत जवाब। दीपक, तुम्हारी वर्क प्लेस शिफ्ट हो रही है कहीं और। गलत जवाब। तो कितना सस्पेंस रखेंगे जानने के लिए देखिए ये वीडियो जो हमने शूट किया था कुछ दिन पहले। चैनल में हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था देयर इज वन गुड न्यूज, और आज वीडियो में मैं बताऊंगी बेसिकली हम लोग कहाँ तक पहुंचे। तो वो सामान वहीं का वहीं रखा है जैसा कि पहले लास्ट वीडियो में था, क्योंकि मेरा दिमाग जो चलना है वो बंद हो गया है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? इनकेस अगर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाए तो कुछ भी नहीं होता। सेम मेरे साथ हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एक दो दिन हो गए हैं। एंड फाइनली आज दिन है थर्सडे और हम लोग संडे को जा रहे हैं। तो हम लोग को शिफ्ट करना है वो तो आपको पता है, सामान देख के आपको पता चल गया होगा। पर अभी एक वीक हम लोग रहने वाले हैं एयरबीएनबी में, तो एयरबीएनबी बुक किया हुआ है तो आपको यहाँ का एयरबीएनबी बताएंगे, और हम लोग पूरा एक वीक रहने वाले हैं तो आपको वहाँ का चीज़ भी पता चलेगी। बट अभी तो जो सामान पैक करना है एक वीक का वो नहीं पता, बिकॉज कपड़े तो है ही है, उसके अलावा जो खाने पीने का है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में तो कहीं भी पहुँचो आसपास ढाबे होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ खा लो, पर यहाँ थोड़ा मुश्किल है तो सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। और दीपक मेरी फुल टू हेल्प कर रहा है सब चीज़ों के लिए। आई थिंक मुझे उसको बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर 2021 में कितने दिन हुए हैं? आई डोंट नो, थोड़े बहुत दिन गए हैं बस। हस्बैंड हस्बैंड हर ईयर में, हर ईयर में कोई नहीं है, इस ईयर का मैं तुम्हें दे रही हूँ अवार्ड, बिकॉज पिछले साल का मैंने अवार्ड नहीं दिया था, पति तुम ही थे पर मैंने अवार्ड नहीं दिया था तुम्हें। वहां से बोल रहा है, एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छी चाय बना के ला रहे हैं क्योंकि दीपक बहुत अच्छी चाय बनाता है कभी कभी। एंड चलो फिर जब हम लोग ये पैकिंग करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑफिशियल काम है वो हम लोगों के रुके पड़े हुए हैं आपको बता दूंगी। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए बहुत ही रिसेंटली कि यहाँ पर घर फुली फर्निश्ड घर कैसे मिलते हैं और वो सब चीज़ें, तो हम लोग बेसिकली घर वहाँ पर ढूंढने वाले हैं। एंड हमारी प्रायोरिटी वही है कि हमें फुली फर्निश्ड मिले, तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि हम जो है वो हंटिंग करने वाले हैं घर की। दीपक करेगा क्यों? दीपक और चीजें बताऊंगा क्या क्या है। तो अभी हम लोग चाय एंजॉय करते गाइस, और फिर से ये मेरे को आपको अपडेट देना था, एंड थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं और जो भी चीजें होगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। बट पूरा वीक मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ और आपको सब चीजें मेरे बारे में पता चलती जाएगी। एंड एट द एंड मैं आपको बहुत, मतलब जो भी लास्ट इस सीरीज का जो मूवमेंट वाली सीरीज है उसका वीडियो होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिकली क्या है, किस लिए हम मूव हो रहे हैं। बाकी आप तो अपना जो भी गैसेस हैं आपके वो आप नीचे लिख देना। तो बाय, एंजॉय योर टी, आप भी एंजॉय करो टी। मेरे कपड़े आ गए? तूने खोले क्यों? तेरे से पूछ के ना खोले थे झूठी? नहीं, मेरे को खोलने थे ये सारे। ले ले।
मेरे कपड़े सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। देखो मैंने क्या मंगाया। एक बार बात इसको ऊपर करना थोड़ा। हाँ तो ये ऊत बुलाओ चीज जो है वो मुझे पसंद आती है, और दीपक ने इसे देखते से बोल दिया। ये समझ नहीं आ रहा, पहन के ही समझ आएगा। जो चीज बेसिक नहीं होती और थोड़ी सी ट्रेंडी होती है तो दीपक ऐसा बोलता है, ये समझ नहीं आ रहा, पहन के ही समझ आएगा। सही तो बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, शॉपिंग तो कर ली है। शॉपिंग एक्चुअली मैं बहुत दिन से बहुत सारी कर रही हूँ। और मैं क्या बता रही थी, जैसे ये घर हमें छोड़ना है तो दीपक क्या करना पड़ेगा? पहले नोटिस देना पड़ेगा। हाँ। जो हाउस एजेंसी है उनको। हाँ। रिटर्न बाकायदा लिख के लेटर साइन करके उनको भेजना पड़ेगा कि हम ये घर खाली करना चाहते हैं। ये हमारा नोटिस स्टार्ट होता है आज से, और फिर फर्दर प्रोसेस होगी आगे की। फिर वो लोग हमें अपॉइंटमेंट देंगे, फिर हम बताएंगे। वो हमारा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है इस घर का, तो हमें उनसे डिस्कस करना है कि हम जल्दी छोड़ सकते हैं कि नहीं। वो सब चीज़ें वो जब अपॉइंटमेंट देंगे तब बताएंगे। तो हमने जो घर लिया था वो फाओ गेवे से लिया था, जो कि यहाँ की एजेंसी है जो घर प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे 3 वर्किंग डेज जो स्टार्ट होता है उससे पहले अगर आप बोल देते हो तो आपका जो नोटिस पीरियड है उस मंथ का कंसीडर करेंगे। उस 3 वर्किंग डेज मतलब 3 तारीख तक हम लोग नोटिस दे सकते हैं। और वो ऑफिशियल नोटिस जो होगा, ऑफिशियल नोटिस वो होगा लिखा हुआ सब कुछ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ईमेल भेज दो या सिर्फ एक मैसेज भेज दो, एक लिखा हुआ सिग्नेचर कि नहीं आज से हम नोटिस दे रहे हैं और हम खाली करेंगे। फिर वो आके बैठेंगे, एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो एक्चुअल कंडीशन पूछेंगे, है ना दीपक? ऐसे ही कुछ होगा ना कि क्या है कैसा है। एंड होपफुली अगर इस घर के लिए उन्हें कोई मिल जाता है तो पैसे बच जाएंगे, और नहीं मिलता है तो 3 महीने तो वो कंटिन्यू ही होगा। मतलब 3 महीने हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उससे पहले कुछ होता है तो ये लोग पैसे वापस कर देते हैं। तो 3 मंथ्स का डिपॉजिट हमने जमा किया था यहाँ के लिए, और वो तभी मिलेगा जब हम या तो कोई इन्हें मिल जाता है या फिर हम रहें 3 महीने। और अगर हम 3 महीने नहीं रहते हैं तो भी हमको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा यहाँ का, प्लस हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भी पे करना पड़ेगा, वहाँ पर भी हमें कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो सेम ही है दीपक, बेंगलोर में भी आई थिंक सेम ही है। बेंगलोर में तो 8 महीने का लेते थे ना कहीं, 1 महीने का वो तो डिपॉजिट लेते थे। डिपॉजिट 8 महीने का, डिपॉजिट अलग चीज है और नोटिस पीरियड अलग चीज। हाँ, लेकिन डिपॉजिट 8 महीने का लेते थे। 1 साल का भी लेते थे। हाँ, बैंगलोर एक अलग ही जगह। 8 महीने का डिपॉजिट लेते थे बैंगलोर में, पता नहीं कहाँ से आए। तो यहाँ 3 महीने का, 3 मंथ्स का होता है, कहीं कहीं 2 मंथ्स का होता है, और कहीं कहीं सेम मतलब 1 ही महीने का होता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। ये जो बड़ी बड़ी एजेंसी है इनमें 3 मंथ्स का होता है। तो चलो फिर, ये मेरे को आपको अपडेट देनी थी अपने कपड़े दिखाते दिखाते, और फिर नेक्स्ट जो भी चीज़ होगी वो हम बताएंगे। हम जैसे जैसे फ़ोन पे बात करते जा रहे हैं हम आपको भी अपडेट देते जाएंगे। एक मेल का रिप्लाई आया है जिसमें वो फाइनली हमें 2 घर दिखाने वाले हैं। तो इमोबिलियन स्काउट और गुंटर ऐसी बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट है, उसमें से एक वेबसाइट का हमें रिप्लाई आया है। एंड अदर देन दैट दीपक, एक और रिप्लाई आया है ना, वो जो सिंगल अपार्टमेंट ये Airbnb वाला है ना।
तो उसका भी अब रिप्लाई आया है, तो जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे मंडे को दीपक चालू कर देगा देखना, और मैं भी जब फ्री होंगी तो चालू कर दूंगी देखना। और क्या किया तुमने, सिग्नेचर करके भेज दिया ये घर को? इसका इसको टाटा कर दिया हमने यहाँ पे, इसको ऑफिशियल ईमेल भेज दिया है, और अब वो लेटर प्रिंट करके साइन करके उनको मेल में, उनको मेल बॉक्स में डाल कर आना उनके। सबसे बड़ी बात, जब मैं घड़ी कर रही हूँ, मतलब ये अच्छे से कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि सब में टैग लगे हुए हैं मेरे कपड़ों में। लॉकडाउन की वजह से कहीं गई नहीं यार, इतने दिन से सब में टैग लगे हुए हैं। और अभी क्या है यहाँ पर, बिकॉज दुकानें बंद है तो सब बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मैंने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और टैग सबके ऐसे के ऐसे लगे हुए हैं। चलो है ना, फिर तो हम पैकिंग शुरू करेंगे एटलीस्ट एक वीक की। कपड़े, खाने, अटरम सटरम, बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब एक वीक जो भी जरूरत होता है वो सब कुछ लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीकेंड पे फिर यहाँ आएंगे। हाँ। वीकेंड यहाँ पर स्पेंड करेंगे, कपड़े वपड़े सब वॉश करेंगे और फिर से जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, अगर नहीं मिला तो, और मिल गया तो फिर धीरे धीरे सामान वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। अब अगर हमारा तो मेन वही है, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हमें फुली फर्निश मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। Right. क्योंकि सामान ले जाना यहाँ पर ज्यादा हेडेक है। इससे बेटर है कि यहाँ ही बेचो ये सब चीजें और वहां पर ले लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत महंगा सामान खरीदा, सब काम चलाओ ही खरीदा था यहाँ पर, तो पर नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी तक तो अपने पास जितने ऑप्शन आए हैं सारे ऐसे ही आए हैं, मतलब बिना फर्निश्ड, देखते हैं, ट्राई करते रहेंगे। और जब दीपक देखने जाएगा तो आप लोगों को, मतलब ये वीडियो बनाएगा तो आप भी अपने सजेशन देना कि हमारा घर आपने ऑलरेडी देखा है और अब हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, आप भी ऑप्शन। धूप निकल आई, धूप निकल आई, धूप। चलो गाइस, तो अब हम पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं और आपको फिर से। क्या कर रहे हो? बंदर की शादी हो रही है। बंदर की शादी फिर से हो रही है।